ओके सो हे गाइस, वस्तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है, आज से कुछ टाइम पहले हमारे चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा लिए, जो कि आप सभी के बिना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। और थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी ने मेरे को इतना सपोर्ट किया एंड जिसके वजह से आज हमारे चैनल पर 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एंड गाइस ऐसे सपोर्ट करते रहना, मैं आप सभी के लिए ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट लाता रहूँगा। एंड आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो यार मतलब कि मैं अगर ना चाहते हुए भी आप सभी के लिए मैं वीडियोस लाता रहूँगा। तो गाइस ऐसे सपोर्ट करते रहना एंड मेरे को मोटिवेट करते रहना एंड आप सभी के लिए ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आप सभी से एक प्रॉमिस किया था कि भाई आप लोग जब हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दोगे तो मैं आप सभी के लिए Q&A वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके लिए मैंने गाइस अभी अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था जिसमें कि मैंने आप सभी से पूछा था कि अगर आप सभी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप सभी को मैं उसका रिप्लाई मैं Q&A वीडियो में दे दूँगा। तो गाइस आप सभी के लिए मैं आज ही उसका रिप्लाई दूंगा इस वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लें। ओके गाइस, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा है गाइस हमारे सौरभ कुमार भाई ने कि हाउ टू ग्रो फोटो एडिटिंग चैनल। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपके कोई भी कैटेगरी का चैनल अगर आप इसको ग्रो करवाना चाहते हो तो गाइस आप रेगुलर मतलब कि कम से कम 28 डेज तक आप रेगुलर अपने चैनल पर 2 से 3 वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि यार आपके चैनल पर ज़्यादा वीडियोज़ हो जाएंगे एंड ज़्यादा वीडियोज़ होंगे तो वीडियो वायरल होने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस अगर आप ऐसा करते हो तो अगर आपके चैनल पर कोई मतलब कि ऐसा अच्छा रिजल्ट आता है तो यार आप मेरे को DM करके जरूर बताना। एंड आई होप कि यार आपके चैनल पर भी ऐसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि यार ये चीज़ मैंने खुद ने अपने चैनल पर की है एंड मेरे चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं एंड मेरी कोई ना कोई वीडियो आज अभी कुछ ना कुछ टाइम में अपने आप ही वायरल होती रहती है। तो गाइस चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है, मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, कीप इट अप। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि हर चीज़ में सबको दिक्कत आती है, बस उस टाइम ऐसा लगता है कि बस इनफ एंड मन करता है कि सब कुछ छोड़ दें। आपको क्या कभी ऐसा लगा है उस टाइम? आपने क्या किया, कैसे अपने पैशन को ऑन मोड रखा? प्लीज़ शेयर योर व्यूज़। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। एंड मैंने मेरे लाइफ में भी एक ऐसा प्रॉब्लम आया था जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब में सोच लिया था कि अभी यूट्यूब पर कभी वीडियो नहीं बनाना है। तो क्या हुआ था कि आज से कुछ टाइम पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिसमें मैं वाइंस वीडियो बनाता था, जिस पर यार कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगी थी एंड जिसके वजह से मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया था। एंड मैं महीने भर मैंने उस चैनल के लिए मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब को मेल किया एंड मैंने उस टाइम मतलब कि मेल करते करते मतलब कि यार जब मैंने हार मान ली कि यार अब मेरे चैनल वापस नहीं आ सकता, तब गाइज मैंने उस टाइम मैंने एक चीज़ का प्रॉमिस किया कि गाइज ये जो प्रॉब्लम मैंने आज मतलब ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है यही प्रॉब्लम और कभी मेरे साथ नहीं आनी चाहिए मेरे पास कि ये ऐसा मेरे चैनल पर कोई दिक्कत आए। तो गाइज वो प्रॉब्लम ये थी कि गाइज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर किसी का एक वीडियो जो 1 मिनट का वीडियो अपने वीडियो में यूज़ कर लिया था, जिसके वजह से मेरे चैनल पर कम्युनिटी का स्ट्राइक लगी थी एंड मैंने वही चीज़ का प्रॉमिस किया कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं करना है, भले ही कितनी भी मेहनत लगे एंड या फिर वो शॉर्ट छोड़ना पड़ जाए क्यों ना, बट यार किसी का कुछ भी यूज़ नहीं करना है अपनी वीडियो में। तो गाइज मैंने उसी टाइम वहाँ पे वो प्रॉमिस किया एंड उसके बाद गाइज मेरी प्रॉब्लम वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी, मेरी प्रॉब्लम एक और आ गई थी कि यार मैंने जब नया चैनल बनाया और मैंने अपने फ्रेंड्स के पास जाकर मैंने बोला कि भाई चलो अब दोबारा से वीडियो बनाने स्टार्ट करते हैं, तो गाइज उन्होंने मेरे साफ साफ मेरे मुंह पे मेरे को मना कर दिया कि भाई अब हम तेरे साथ वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि यार हमने पिछले चैनल पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी एंड वो चैनल भी हमारा टर्मिनेट हो गया, क्या पता अगर हमने इस पर मेहनत करी तो वो भी चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। बट गाइज मैंने उस टाइम में मैंने उनसे वैसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करे, मैंने सीधा सीधा बोल दिया कोई बात नहीं भाई अगर आपको नहीं बनानी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने फिर उस टाइम मैंने भी छोड़ दिया, पर उन लोगों को लगा कि यार ये बंदा भी अब छोड़ देगा, बट गाइज उनको नहीं पता था कि मेरे अंदर से एक फीलिंग है कि यार मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाऊँगा। बट गाइज मैंने उस टाइम में भी मैंने हफ्ते भर सोचा कि यार मैं क्या करूँगा लाइफ में, कि मतलब क्या वीडियोज़ बनाऊँ क्या करूँ, मेरे को यूट्यूब में मतलब कि काम करना ही था, मैंने मतलब सोच रखा था स्टार्टिंग से। तो गाइज क्या हुआ कि 15-20 दिन मेरे को लगे एंड मैं एडिटिंग में अच्छी खासी कर लेता था, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी कहते थे कि यार एडिटिंग अच्छी कर लेता तू। तो गाइज मेरे को यार एक थॉट आया कि यार क्यों ना मैं यूट्यूब पे एडिटिंग के चैनल बना लूँ अपना, क्योंकि फिर मैंने यूट्यूब पे मैंने सर्च करने लग गया, मैंने तोकेर एडिट्स को देखा, मैंने उनकी वीडियोज़ वगैरह देखी, मेरे को फिर वहाँ से मेरे को थोड़ा सा कि एक वो मिला कि यार हाँ मैं ऐसे करके वीडियो बना सकता हूँ तो मेरा भी चैनल ग्रो हो जाएगा। फिर मैंने गाइज वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया एंड उसके बाद आज जब मेरे चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर हो गए तब जाके मैंने लोगों को बताया कि हाँ मेरा भी एक चैनल है जिसमें मेरा 1,000 सब्सक्राइबर है। फिर उसके बाद गाइज मैंने ऐसे ऐसे सपोर्ट मैंने मतलब अपने आपको मतलब सपोर्ट किया कि और अपने आप से ही मतलब कि मोटिवेट होता रहा कि यार होगा होगा एंड आज मतलब कि 10,000 सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बस यही था मतलब कि मैं ऐसे ही मोटिवेट होता रहता हूँ एंड आई होप कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा। तो चले गए सब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो RDX राइडर YT पूछते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, 10K सब्सक्राइबर हो गए, कैसा फील कर रहे हो? तो गाइस मतलब फील तो यार बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ एंड उससे भी ज़्यादा फील तो मैं ये कर रहा हूँ कि आप सभी मेरे को इतना सपोर्ट करते हो कि यार मतलब कि आज चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना अपने भाई को। एंड चले गए सब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये पूछा है MB एडिटिंग ने कि हाउ टू ग्रो एडिटिंग चैनल। तो गाइस जैसा कि आप सभी को भी मैंने बताया था कि अपने चैनल पे अगर आपने अभी तक 2 से 3 वीडियो डालना स्टार्ट नहीं किया तो कर दो, इसी से चैनल ज़्यादा जल्दी ग्रो होता है। ठीक है तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये जो क्वेश्चन पूछा है कि रौनक तेदवी
तो ब्रो आप कितने साल से यूट्यूब पे हो? तो गाइज मैंने ये जो यूट्यूब चैनल मैंने 2019 में दिसंबर में बनाया था, एंड दिसंबर में मैंने 19 तारीख को बनाया था, यानी कि 2020 के करीब ही बनाया था, ठीक है। तो ये मैंने चैनल उस टाइम बनाया था और आज मेरे चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। एंड गाइज अगर आप कभी चैनल बनाते हो तो मैं गाइज आप सभी को एक चीज़ बता दूँ कि 1 ईयर आप अपने चैनल के लिए ऐसे एकदम मतलब छोड़ दो कि 1 ईयर में आप सभी को अपने चैनल से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी है कि मेरा चैनल की कोई वीडियो वायरल होगी या जो भी होगा। आपको 1 ईयर तक इससे उम्मीद अपने यूट्यूब चैनल से छोड़ देनी है। बस आप सभी को एक ही चीज़ पे फोकस करना है, बस अपनी आपको वीडियो डालनी है, ठीक है। एंड एक साल बाद आप सभी को अपने चैनल का रिजल्ट दिख जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडी टेक्नोलॉजी आप मेरे से पूछते हैं कि सर ये मेरा क्वेश्चन है कि आप दिन में कितना टाइम देते हो एडिटिंग को? तो भाई मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एडिटिंग को कोई भी टाइम नहीं देता हूं। आप सभी का जो डिमांड होती है मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूं। एंड मैं गाइस मतलब कि मैं चेक करता रहता हूं कि मेरे को मतलब कि किस कॉन्सेप्ट के लिए ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं एंड कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे को बनाना चाहिए। जैसे मेरे को लगता है कि हाँ इसके कॉन्सेप्ट के ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं तो मैं गाइस वो कॉन्सेप्ट को मैं 15-20 मिनट में बना के तैयार कर देता हूं एंड 15-20 मिनट अपलोड होने में लगता है। तो गाइस पूरा 1 घंटा मैं अपने यूट्यूब में काम करने को देता हूं, ठीक है। तो बट मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं दिन में इसी टाइम वीडियो बनाता हूं। मैं जब मेरे को मन करता है मैं उस टाइम वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये पूछते हैं 77 गेमिंग के भाई आप इतने अच्छे कैसे हो? तो भाई ये चीज़ मेरे को नहीं पता, आप लोग को वही पता होगा क्योंकि यार आप सभी ने मेरे को अगर ये पूछते हो मुझसे कि आप इतने अच्छे क्यों, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस अब मैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये पूछते हैं साक्षी सिंह, तो ये पूछती हैं कि वॉइस कैसे रिकॉर्ड करते हो, माइक या एयरफोन से? तो मेरे पास ये वाला माइक है जिससे कि मैं वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ एंड ये काफ़ी पुराना भी हो चुका है, बट कोई नहीं अभी बहुत अच्छा साथ दे रहा है तो चलने दो अभी तो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये लेजेंड मिस्टर विशाल गेमिंग पूछते हैं कि भाई HD क्वालिटी में फोटो एडिटिंग कैसे करें? तो गाइस उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वीडियो की, तो आप जाके वॉच कर लेना आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सुनील मालवीय एडिट्स पूछते हैं कि भाई मेरा जवाब भी दे दो ब्रो, सच बताना कितनी GF है? तो गाइस मैं आप सभी को पहले बता दूं कि मेरी कोई भी GF है नहीं, अगर लाइफ में अगर कभी होती है तो आप सभी से इंट्रोड्यूस बिल्कुल करवाऊंगा। एंड गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि यार अभी ज़्यादा जरूरी है अपने गोल पे फोकस देना, तो गाइस मैं अभी वही चीज़ कर रहा हूँ। एंड अगर गाइस अगर कभी लाइफ में ऐसा कभी हुआ तो गाइस टेंशन मत लो, मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस बिल्कुल करवाऊंगा। एंड बाकी चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस TR एडिट्स पे पूछते हैं कि भाई GF कितनी है? तो गाइस जैसा कि अभी मैंने बताया आप सभी को। एंड उसके बाद बढ़ते हैं शिवम टैग, तो भाई आपको हिम्मत सिंह का फोटो एंड बैकग्राउंड कहाँ से मिलता है? तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि जो मेरे को जो बैकग्राउंड और जो PNGs वगैरह मिलते हैं वो मैं anisplash.com पर जाकर सर्च करता हूँ, इजीली वहीं से मेरे को सब कुछ मिल जाता है। अब बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई डैशिंग एडिट पूछते हैं कि भाई आप हिम्मत भाई का बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड करते हो? कि जैसे गाइस मैंने बताया anisplash.com एंड अदर मतलब कि और भी वेबसाइट हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इजीली चेक कर लेना। तो गाइस चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये मुनाजिर एडिट पूछते हैं कि भाई आप मॉडल का HD में कहाँ से डाउनलोड करते हो? तो गाइस मॉडल जो होता है मैं HD में वो डाउनलोड नहीं करता हूँ, मैं मॉडल को HD में खुद बनाता हूँ। जैसे कि गाइस मेरे को अगर कोई मॉडल चाहिए होता है तो गाइस मैं वो फोटो को डाउनलोड करता हूँ एंड उसके बाद गाइस मैं उसको सिंपली इरेज करता हूँ। एंड HD में बैकग्राउंड को कैसे इरेज करता हूँ उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके चेकआउट करना आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये महफूज एडिट पूछते हैं कि इंस्पिरेशन कौन है? तो गाइस मेरा इंस्पिरेशन है तोकीर एडिट्स, प्रणव पीछे, NSG पिक्चर्स एंड विजय मेहर एंड और भी एडिटर हैं जिनका नाम मैं लूँगा तो यार बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बट और भी एडिटर हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता रहता हूँ, तो वही इंस्पिरेशन है मेरे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये पूछते हैं पवन फ्री फायर नूब, तो ये पूछते हैं भाई आप कैसे में फ़ोटो एडिटिंग करते हो या PC है और बैकग्राउंड डाउनलोडर कौन सा है? तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, पहले तो गाइस मैं फोटोज एडिट करता हूं वो अपने मोबाइल में करता हूं एंड गाइस मेरे पास कोई PC है नहीं एंड जो गाइस मैं बैकग्राउंड जो डाउनलोड करता हूं वो anisplash.com से करता हूं। तो गाइस अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेम स्टेटस वाला ये पूछते हैं आपको वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? जैसे कि अभी मैंने आप सभी को बताया था मेरा कोई टाइम फिक्स है नहीं, मैं जरा जब मन करता है मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर देता हूं। तो गाइस अब जो ये पूछा है क्वेश्चन, ये पूछा है कि MR हीमू भाई आप फोटोशॉप के बारे में कुछ बताओ? तो गाइस अभी मेरे पास फोटोशॉप है नहीं एंड मैंने आज तक कभी यूज़ भी नहीं किया है एंड गाइस लाइफ में अगर कभी फोटोशॉप यूज़ करता हूँ तो उसका भी ट्यूटोरियल आप सभी को मिलता रहेगा। तो गाइस मतलब इस चैनल पे रहना तो आप सभी को सब कुछ मिलता रहेगा, अपडेट सारी, ठीक है। तो अब जो ये लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है हमसे पूछा है ये सगनी भट्टाचार्य ने कि तुम्हारे पास कैमरा है? तो गाइस मेरे पास कोई भी कैमरा नहीं है, मैं फ़ोन से ही वीडियो शूट करता हूँ एंड ये जो फ़ोन है मेरे घर का फ़ोन है एंड एक फ़ोन है मेरे पास जिससे जो फोटो वीडियो शूट हो रही है, जैसे कि गाइज मैं वीडियोस बनाता हूँ, फोटोज़ क्लिक करता हूँ, सब कुछ इसी फ़ोन से करता हूँ। तो यही फ़ोन मेरे को काफ़ी टाइम से मेरा साथ दे रहा है एंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो बस इतना ही एंड आई होप कि यार आप सभी के क्वेश्चन के रिप्लाई मिल गए होंगे। तो गाइज ऐसा करता है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और यार आप सभी के मतलब किसी का क्वेश्चन अगर रह गया होगा तो गाइज उसको मैं अगले Q&A वीडियो में यूज़ करूँगा, जबकि हमारे 20K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप सभी के लिए कोई Q&A वीडियो आएगा। तो गाइज ऐसे सपोर्ट करते रहना, 20K सब्सक्राइबर बहुत जल्द आप करवाई दोगे आप सभी पे मेरे को पूरा भरोसा है। तो चलिए गाइज मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।